गाइज ये जो पुल है एनटीपीसी चौक पर बना हुआ है तिगांव रोड पर, और ये तिगांव रोड है, हालत बहुत ख़राब है। इसको अब 4 लेन बनाने की योजना है, अब बनेगा। आसपास देखिए कैसे जंगल हैं। ये इस तरफ का जो जंगल है ये तो ग्रीन है, राइट साइड का, लेफ्ट साइड का जंगल बिल्कुल उजाड़ दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर नए सेक्टर्स डेवलप किए जा रहे हैं हुड्डा की तरफ। ये हुड्डा का लैंड है, तो यहाँ लिप्टिस के बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, तो यहाँ अब बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ, कॉलोनी, सेक्टर डेवलप किए जाएंगे। हुड्डा की लैंड है ये देखिए। तो जो जितने लिप्टिस के सारे पेड़ है ना, वो लगभग सूख चुके हैं। ये नीमका गांव से पहले का ये दृश्य है, यहाँ छोटा सा नाला भी है, पानी भरा हुआ है। ये नीमका जेल है, आप देख लीजिए, जिला कारागार फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट का जेल, यहीं पर सारे कैदियों को, जो फरीदाबाद के हैं ना, उनको यहीं लाया जाता है। ओपन जेल है ये, और यहाँ पर सिक्योरिटी जो है चुस्त दुरुस्त रहती है, बाउंड्री वॉल है जेल की। अंदर रेजिडेंस भी रहते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं पुलिस विभाग में, तो उनकी कॉलोनी भी है अंदर, तो आवागमन लगा रहता है अंदर से। ये यहाँ पर भाई साहब पुलिस मैन खड़े हुए हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, जो आ रहा जो जा रहा है पूरी तरह से पूछताछ कर रहे हैं। स्कूल बसें निकल रही हैं, यहाँ ग्रीनरी भी अच्छी खासी है और मैदान खाली पड़ा हुआ है। गाइस आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देख लीजिए, ये है NTPC गेल इंडिया लिमिटेड का बोर्ड लगा हुआ है, और यही है NTPC का जो प्रोजेक्ट रोड, जो ये है ना तिगांव वाला, बहुत ही ख़राब है। तो अभी बोला हुआ कृष्णपाल गुर्जर ने, मंत्री ने, कि इसको 4 लेन का बना देंगे, देखिए कब तक बनता है, हालांकि चालू हो जाएगा अभी। और स्कूल्स हैं नीमका में, और गर्ल्स पॉलिटेक्निक कॉलेज भी है, यहाँ पशु चिकित्सालय भी है, बड़ा सा स्टेडियम भी है। अब पहले ये नीमका विलेज गांव हुआ करता था, लेकिन ग्राम पंचायत हुआ करता था। ये देखिए स्टेडियम है, राजा जेल सिंह नागर। तो ये जब ये गांव हुआ करता था तो सरपंच साहब मेंटेन रखते थे इस स्टेडियम को, लेकिन अब जब से ये नगर निगम के अंतर आ गया ना, तो अब ये देखिए यहाँ के मुखिया हैं, उनसे हमारी बातचीत भी हुई, तो बता रहे हैं कि अब ये जिला नगर पंचायत के अंतर्गत आ गया है नगर निगम में, तो अब जब भी चुनाव होंगे, पार्षद वगैरह बनेंगे, तो इसका फिर डेवलप किया जाएगा। बाकी अब इसको इसी के हाल पर छोड़ दिया गया है। आज भी ये देखिए एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, और आसपास के जो लोग हैं नीमका गांव के, वो तो पहचानते ही होंगे इनको, तो आप लोग इनको बताइएगा कमेंट पर कैसे शख्स हैं, काफ़ी अच्छे मिलनसार। अच्छा, बहुत जल्दी इसका भी कार्य मंत्री साहब के उससे चालू होने वाला है। अच्छा, उम्मीद है कि रोड बन जाएगा। हाँ, बिल्कुल बनेगा मंत्री साहब, और भविष्य में हो सकता है ये 4 लाइन का भी हो। 4 लाइन का, हाँ 4 लाइन का बन गया ये, यहाँ से लेके अच्छा झावली तक 4 लाइन बने। जी, बहुत बढ़िया है। तो आसपास ही आपका घर भी होगा सर? नहीं जी, गाँव में ही है। गाँव में ये देखिए जॉगिंग कर रहे हैं सुबह सुबह। हाँ, सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं जी। बस ये सारा कुछ आप मेंटेन नहीं रहा, पार्क वगैरह 2 साल से पंचायत नहीं है ना, इसकी वजह से। अब इसको कौन मेंटेन कराएगा सर? अब नगर निगम कमाते ही नहीं हो, अब होगा ही नहीं, भट्टा बैठ गया। हाँ, भट्टा बैठ गया, अब नगर निगम कहाँ ध्यान देगा? नगर निगम ना नरक निगम सर, सही बात है सर, सेक्टरों का बुरा हाल है, तो ये तो अब यहाँ गाँव में आता है, अब कहाँ नगर निगम ना नरक निगम। हाँ, नहीं हो पाएगा ये। बताइए, अपने सबके अपने अलग अलग विचार हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग रहते हैं, लेकिन नगर निगम का जैसे ही चुनाव हो जाएगा, पार्षद कोई भी काम संभालेगा तो काम होंगे, लेकिन अब देखते हैं कब तक। सर उधर सेक्टरों में ऐसी हालत है ना, सेक्टरों के पार्क देखिए ना आप, वो बुरे हाल से गुजर रहे हैं। चलिए तो फिर गाइज मुलाकात इनसे हो चुकी है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपको और भी दिखाते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। गाइस ये है सर्वोदय फाउंडेशन की तरफ से विलेज नीमका में टिकाव रोड पर देवाश्रय पशु चिकित्सालय है, एंट्री है अस्पताल, ये इतना बड़ा मतलब कि पशुओं के लिए अस्पताल जो है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको, यहीं से अंदर चलते हैं, कहाँ भी पशु हैं नहीं है, देखते चलिए। तो पशु चिकित्सालय के अंदर चुके हैं, बस आगे से राइट, कितना अच्छा हरा भरा यहाँ, ये देखिए गाइस, एक छोटा सा मंदिर भी है यहाँ पर,
काफ़ी बढ़िया पशु चिकित्सालय बना हुआ है यहाँ, और अच्छा लगता है देख, कुछ एक पशु भी आपको मिल जाएंगे जो कि बीमार अवस्था शायद ये, और वैसे तो आर्टिफिशियल पशु काफ़ी मिलेंगे। अच्छा उधर गौशाला भी है, कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण रहेगा ही क्योंकि प्रेमी जो भक्त जो थे जी हमारे गाय के भक्त। और काफी बड़ा है चिकित्सालय हॉस्पिटल गौशाला है यहाँ, मरे मराए से लग रहे पशु सारे। लाएंगे लाएंगे किसी दिन आपके लिए भी लाएंगे। आगे ठीक है, अब जैसा हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में जो सिस्टम चला आ रहा है ना उसके हिसाब से ठीक ही है। बाकी ये है कि यहाँ पर एकदम ही कचरा नहीं है, अगर ये कोई कहे कि बिल्कुल ही सब कुछ है ही नहीं, काम का ही नहीं है, ऐसा नहीं है, है ठीक ठाक। सर ये बीमार पशु कहाँ है, यहाँ के प्रबंधक कौन है, देखरेख कौन करता है? मैं मान सिंह हिमांशु। कितने बजे आते हैं? हाँ हाँ हाँ, चमका के तो कोई नहीं रखता है, तो पशु चिकित्सालय ना, जब आदमी का चिकित्सालय हॉस्पिटल इतने साफ मेंटेन नहीं है तो ये तो पशु चिकित्सालय है। गौ संपत्ति दिया गया है वहाँ, लिखा गया है, तो हमने आपको गाइस ये दिखा भी दिया, आएंगे किसी दिन और फुर्सत। और तो सोच रहे थे जी भी नहीं है, तो ये नाद बनाया गया है पानी पीने के लिए। और जनरेटर की भी व्यवस्था की गई है, है? कुत्ते बोलना नहीं करते ही ना, दवाई ववाई का भी है यहाँ पर, सब दवा वगैरह पशुओं के लिए जो भी समुचित व्यवस्था चाहिए। इसी रोड पे तिगांव गांव है, बट मैं आगे नहीं जाऊँगा, मैं इस तरफ से जाऊँगा, इस तरफ एक्सप्लोर करता हूँ, करता हूँ आगे, पर आगे आपको दिखाते हैं इस रोड पे कहाँ जाएगा, लेकिन जहाँ जाएगा वहीं वहीं चलूँगा मैं। गाइज एक ग्राम पंचायत से अब हम दूसरी पंचायत में प्रवेश करने जा लीजिए, ग्राम पंचायत मोजेड़ी। और लेकिन ये भी ग्राम पंचायत खत्म कर दिया गया है सरकार द्वारा, अब नगर निगम में मिला लिया गया है। हमारा गंतव्य स्थान कैसा लगता है यहाँ से, ऐसा लगता है